जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिफेंस एग्जाम मास्टरी जीके सीरीज में। और आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूं इंडिया के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सर के बारे में। तो जैसा कि आप सबने सुना होगा न्यूज में, और अभी अभी गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सर को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया है। तो सर के बारे में जानेंगे, इनके टेन्योर के बारे में जानेंगे, इनके इंडियन आर्मी में योगदान के बारे में जानेंगे और पूरी की पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री हम जानेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने डिफेंस एग्जाम मास्टरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि आपको ऐसा वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट मिलता रहे। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पर आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, इस नंबर पर अपनी क्वेरीज आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आपको कोई भी अगर चैलेंज आता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ है, व्हाट इज एक्चुअली हैपेंड। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सर जो कि रिटायर्ड 3-स्टार ऑफिसर थे, फॉर्मर ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे, उनको नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनाउंस किया गया है। वो पहले डीजीएमओ भी रह चुके, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। तो मोर देन 9 मंथ से ये सीट जो थी, यानी ये पोस्ट जो थी, वो वैकेंट थी आफ्टर द डेथ ऑफ जनरल बिपिन रावत इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश जो कि लास्ट में ईयर में 8 दिसंबर को हुआ था। तो जो लेफ्टिनेंट जनरल चौहान सर है वो एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर है और चाइना एक्सपर्ट है। 61 ईयर ओल्ड है उनकी एज है 61 साल, और पहले जो फंक्शन था उनका एज अ सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का ये काम कर रहे थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी चीज में। अब बिफोर स्टार्टिंग एवरीथिंग आई विल टॉक अबाउट 7 हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन आर्मी कमांड्स। हमारी इंडियन आर्मी के दोस्तों 7 कमांड्स हैं, जिसमें नॉर्दर्न कमांड जो है हमारी वो उधमपुर में है, जो इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न, जो इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड है, एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्दर्न आर्मी की जो इंडियन कमांड है वो आपकी उधमपुर में है, और वेस्टर्न कमांड जो है वो आपकी चंडी मंदिर में है। वेस्टर्न कमांड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेस्टर्न कमांड आपकी चंडी मंदिर में है। सेंट्रल कमांड जो है आपकी लखनऊ में है। साउथ वेस्टर्न कमांड आपकी जो है, आपकी लगभग साउथ वेस्टर्न कमांड जिसको सप्तशक्ति कमांड बोला जाता है वो आपकी जयपुर में है। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में बहुत बार बच्चों को, सप्तशक्ति कमांड जो है साउथ वेस्टर्न, उसको जयपुर वाली को सप्तशक्ति बोला जाता है, याद रखना ये चीज। और सदर्न कमांड पुणे, और ट्रेनिंग कमांड इंडियन आर्मी की शिमला में है, सेंट्रल कमांड लखनऊ, और ईस्टर्न कमांड आपकी कोलकाता। तो ये कमांड्स हैं और उनके हेडक्वार्टर्स हैं। तो हर कमांड पे एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं जो उसको लीड करते हैं। ठीक है, तो चौहान सर भी एक कमांडिंग कर रहे थे ईस्टर्न कमांड की इसके पहले। तो लेफ्टिनेंट जनरल चौहान रिटायर्ड जो है वो रैंक होगी उनकी एक 4-स्टार जनरल। ठीक है, जब वो इंडिया के सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनेंगे, तो ही विल बी फर्स्ट रिटायर्ड 3-स्टार ऑफिसर टू रिटर्न टू सर्विस इन 4-स्टार रैंक। अब मैं आपको थोड़ा सा रैंक स्ट्रक्चर बता दूं। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल या वाइस एडमिरल या फिर आपका एयर वाइस मार्शल। ये जो रैंक्स हैं ये आपकी 3-स्टार रैंक है, और जितने भी चीफ ऑफ सर्विस, चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ या चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ये सारे 4-स्टार रैंक के अफसर होते हैं। एडमिरल इज अ 4-स्टार रैंक, एयर चीफ मार्शल 4-स्टार रैंक, एंड जनरल इज अ 4-स्टार रैंक। तो क्या था कि ये 3-स्टार थे यानी लेफ्टिनेंट जनरल थे, अब वापस आएंगे तो 4-स्टार रैंक अधिकारी बन जाएंगे। तो ही विल बी द फर्स्ट रिटायर्ड 3-स्टार ऑफिसर टू रिटर्न इन टू सर्विस विद अ 4-स्टार रैंक। तो CDS की जो रैंक है आप याद रखें, इट इज अ 4-स्टार रैंक। ठीक है, 5-स्टार रैंक भी होती है दोस्तों। तो 5-स्टार रैंक क्या होती है? 5-स्टार रैंक होती है आपकी फील्ड मार्शल वाली, फील्ड मार्शल। ठीक है, फील्ड मार्शल इज अ 5-स्टार रैंक। कौन है हमारे 2 फील्ड मार्शल हुए हैं? SF FJ मनिक्सा और जनरल KM करियप्पा। ठीक है, फील्ड मार्शल होते हैं एयर मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर मार्शल की जगह मार्शल ऑफ द एयरफोर्स होते हैं, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। ठीक है, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह हमारे यहाँ पे रहे हैं। तो अभी ये 3 लोग हैं जो 5-स्टार रैंक तक पहुंच पाए। नेवी में कोई भी एडमिरल ऑफ द फ्लीट अभी नहीं हुआ है, उसमें 5-स्टार रैंक इज एडमिरल ऑफ द फ्लीट। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में दोस्तों, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ अगर आप देखते हैं थोड़ा सा, अगर स्ट्रक्चर में आपको समझाना चाहूँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो इसी में 4 पार्ट तो हैं पर एक 5वां पार्ट भी है, उसमें इनकी फंक्शनिंग होगी। पहला डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, फिर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर, फिर आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, एंड देन आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये आता है, ये 5वीं जो इनकी जो कंसिडरेशन होगी वो इसके अंदर होगी, 5वां डिपार्टमेंट जो रहा है। ठीक है, तो
चौहान सर के बारे में, अगर मैं आपको लेफ्टिनेंट जनरल चौहान सर के बारे में बताऊं, तो ये 18 मई 1961 को पैदा हुए थे, है ना, कमीशन हुए थे 11 गोरखा राइफल इंडियन आर्मी 1981। तो ही इज पास्ड आउट फ्रॉम नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला पुणे, एनडीए से है, और 40 साल का इनका करियर रहा है। उन्होंने सेवरल कमांड स्टाफ और इंस्ट्रूमेंटल अपॉइंटमेंट इन्होंने ली है, और इनका बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन और जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट एरिया में। सर्विस से लास्ट ईयर मई यानी 2021 में रिटायर हुए थे, और तब ये सर्व कर रहे थे एज ईस्टर्न आर्मी कमांडर। ईस्टर्न आर्मी की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता। आगे अगर देखें एज द ईस्टर्न आर्मी कमांडर उनके क्या सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स रहे, तो उन्होंने क्या किया था, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है दोस्तों, कॉम्बैट रेडीनेस की बात करूं तो LAC पे इन्होंने काफी हद तक काम किया था अरुणाचल और सिक्किम बॉर्डर सेक्टर के आसपास, और इन द रैंक ऑफ मेजर जनरल उन्होंने कमांड किया है इन्फेंट्री डिवीजन इन क्रिटिकल बारामूला सेक्टर और नॉर्दर्न कमांड के अंदर, जब वो मेजर जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल से पहले रैंक होती है मेजर जनरल। लेटर एज लेफ्टिनेंट जनरल उन्होंने कमांड किया नॉर्थ ईस्ट की कॉप्स को, और सब्सिक्वेंटली जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने ईस्टर्न कमांड के सितंबर 2019 में, और जब तक रिटायर नहीं हुए वो, तब तक उसके ईस्टर्न आर्मी कमांडर बने रहे मई 2021 तक। तो काफी इनका अच्छा टेन्योर रहा है आर्मी के अंदर, काफी एक्सपीरियंस्ड और मैच्योर ऑफिसर है, तो इनका बनना एकदम जस्टिफाइबल होता है यहाँ पे। और जानते हैं थोड़ा सा, जब रिटायरमेंट हो गया सर का, तो उसके बाद आर्मी का एज अ ईस्टर्न आर्मी कमांडर, तो उसके बाद ये सर्व कर रहे हैं एज अ मिलिट्री एडवाइजर टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट, जिसको हेड करते हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोवाल साहब, ठीक है। तो तब से वो जुड़े हुए हैं। सितंबर 10 को लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को एक सेरेमनी में बुलाया गया था, जहां उन्होंने अटेंड किया था। स्ट्रेटेजिकली एक बहुत अच्छी एक लोकेशन है कि भी तू मिलिट्री गैरिसन, जिनको जो कि कहां है, लोहित वैली अरुणाचल में, और LAC के पास है, तो इसको जनरल बिपिन रावत साहब के नाम पे रीनेम कर दिया जा रहा है। तो ये बात भी आप याद रखना कि किस मिलिट्री गैरिसन को रीनेम किया गया है जनरल बिपिन रावत साहब के नाम पे, उसका नाम है कि भी तू मिलिट्री गैरिसन, जो अरुणाचल प्रदेश में लोहित वैली के अंदर आती है। अब थोड़ा सा और अगर मैं इसमें अंदर जाऊं, तो आपको मैं बता दूं कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी दोस्तों, जब हमारा पुलवामा पे अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक के बाद हमने रिटेलिएशन किया था, यानी हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, जो मिराज 2000 जहाज यूज हुए थे, अभिनंदन वर्धमान जो विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान थे, उनके जहाज ने F-16 को मार गिराया था। तो बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 की जब हुई थी, तो उस दौरान ये डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन DGMO, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हो जाती है देश के अंदर, वो ये थे सर, ठीक है, जहां पे इंडियन एयरप्लेन्स ने जैसे मोहम्मद के जो टेरर कैंप्स थे पाकिस्तान के अंदर, उसको जाके उड़ा के आ गए थे हम लोग, और उनका बैंड बजा दिया था। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो जून में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने थोड़े से ना अपॉइंटमेंट के रूल्स में चेंज किया। पहले ये होता था कि जनरल बिपिन रावत साहब जो थे वो 4-स्टार ऑफिसर थे, वो ऑलरेडी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके थे। सरकार ने थोड़े से रूल्स में मॉडिफिकेशन ये किए कि जो भी ऑफिसर की लेफ्टिनेंट जनरल एयर मार्शल या फिर वाइस एडमिरल की रैंक के हैं, उनको क्या कर सकते हैं, उनको 62 साल के अंदर अगर वो है तो उनको CDS की पोस्ट के लिए कंसीडर कर लिया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे चेंज इन रूल्स है, चेंज इन रूल्स हुआ तो 3-स्टार ऑफिसर्स को अलाउ कर दिया गया। पहले सर्विस चीफ्स के 4-स्टार रैंक को माना जाता, जो रिटायर्ड रिसेंट रिटायर्ड सर्विस चीफ्स उनको, पर यहाँ पे अभी 3-स्टार ऑफिसर्स को भी कंसीडर कर लिया गया। तो ये थोड़े से सरकार ने चेंजेस कर दिए थे, उसके बाद इनको मौका मिल गया यहाँ पे सरकार की अपॉइंटमेंट में आने का। अब एज लेफ्ट CDS इनके सामने कुछ चैलेंजेस भी होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो इनका जो काम मेजरली रहेगा कि सिनर्जी कैसे बनाई जाए थिएटर कमांड्स के थ्रू, जैसे मान लो लद्दाख में थिएटर कमांड बना दी, या फिर राजस्थान में थिएटर कमांड बना, जहां पे ट्राई सर्विस सिंक्रोनाइजेशन पे काम होगा, आर्मी नेवी एफओ साथ मिलकर काम करेगी। अब क्या होता है, अलग अलग अभी ऑपरेट करती है, कभी कभी डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस जब होती है तब थोड़ा थोड़ा सर्विसेज आपस में सिंक्रोनाइजेशन बैठाती है, बट थिएटर कमांड्स में क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे सिंक्रोनाइजेशन होगा, सिनर्जी बैठाई जाएगी तीनों सर्विसेज के बीच में, ताकि साथ में मिलकर काम कर सके। तो जो CDS की जो पोस्ट है जो खाली थी, जनरल रावत साहब की डेथ हुई थी जब लास्ट ईयर, उसके बाद से है ना 8 दिसंबर 2021 में, जहां पे वो अपनी वाइफ मिसेस मधुलिका रावत और 12,000 लोगों के साथ मार्टियर होके थे। तो 1 जनवरी 2020 को जनरल रावत साहब ने इंडिया के फर्स्ट CDS की गति जो थी वो संभाली थी, और बहुत उनका एक अहम योगदान रहा इंडिया की मिलिट्री प्रोग्रेस को शो करने में। उन्होंने काफी फंक्शनिंग में काम किया, कन्वर्जेंस में काफी काम किया था इस दौरान। तो ये बहुत हाई लेवल की अपॉइंटमेंट है जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए। इन एडिशन टू द कमांड अपॉइंटमेंट जो सर की रही, उनका और भी चीजें हैं, ये DGO में होते थे ही थे, इसके अलावा इन्होंने UN में यूनाइटेड नेशंस में एज एन ऑफिसर सर्व किया है मिशन टू अंगोला के अंदर। तो ये बात भी बहुत एक काबिले तारीफ है कि यूनाइटेड नेशंस में इन्होंने सर्व किया हुआ है दोस्तों। अब
चैलेंजेस के बारे में मैंने बात की, पहले सीडीएस कौन थे, जनरल बिपिन रावत थे, उसके बारे में मैंने बात की। आगे चलते हैं कि 62 साल की एज लिमिट, अब एज फैक्टर के बारे में थोड़ा सा इसमें हम बात करते हैं। तो दोस्तों 62 साल जो ऑफिसर्स 62 साल की एज लिमिट के अंदर है उनको सीडीएस के लिए कंसीडर किया जाएगा, है ना। तो 62 साल की एज लिमिट जब हो गई, 62 साल का क्राइटेरिया जब लगा दिया, कि उसकी वजह से जो सर्विस चीफ थे बहुत सारे उससे आउट हो गए थे, तो जो ऑफिसर 62 साल के अंदर थे उनको कंसीडर करा गया, ठीक है ना। तो एज लिमिट फॉर सर्विस चीफ जो है वो 62 साल या 3 साल की सर्विस या जो भी पहले हो जाए वो होता है, पर सीडीएस के लिए 65 साल की एज लिमिट है, यानी कम से कम 3 साल तो रहेंगे, पर कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, सरकार जब तक चाहे तब तक। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, गवर्नर के लिए जैसे पोस्ट होती है हमारे यहाँ पे, गवर्नर में जब तक सरकार चाहे तब तक वो गवर्नर रह सकते हैं, कोई एज का वो नहीं रहता, अपर एज का। इसी तरीके से इसके साथ भी होगा, इस पोस्ट के साथ भी होगा पर्टिकुलरली। अब मैंने सर के आफ्टर रिटायरमेंट बताया, तो दोस्तों इस चीज के थ्रू आपने जाना कि कैसे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सर को इंडिया का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है, जो कि बहुत कंसिडरेबल पोस्ट होती है हमारे यहाँ पे। उसके बारे में आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई हैं। अब थोड़ा सा आप लोगों को बोलूंगा कि इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, डिफेंस एग्जाम मास्टरी फॉलो कर लो इंस्टा पे, और टेलीग्राम पे फ्री कंटेंट आता है बहुत ज़्यादा। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप आप करोगे तो आपको जो भी क्वेरी होगी मैं आंसर कर दूंगा, और ध्यान से इस नंबर को नोट करके रखो, सेव करके रखो अपने मोबाइल में, एनी काइंड ऑफ हेल्प यू नीड। और हमारे बैचेस चल रहे हैं सीडीएसएफ के 2023 के लिए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं लाइव क्लासेस और 1-to-1 मेंटरशिप देता हूं बच्चों को। तो यही था दोस्तों आज के लिए, मिलेंगे अगली सीरीज में। जीके विद शिवम सर, और जय हिंद, आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून, टेक केयर ऑल ऑफ यू।